इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें यह समझना होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और पॉइंट बी में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होने वाली है और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होने वाली है, तो समझते हैं। तो ये होगा पोटेंशियल एट फाइनल, मतलब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल। ये हो जाएगा इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी से ए तक ले जाने में, बी से ए तक ले जाने में इस टेस्ट चार्ज को। ऐसे डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। वर्क डन इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वही देता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आपको समझ आ चुका होगा ये। अब इसके ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, वर्क ऐसा होता है जूल, और चार्ज का ऐसा होता है कूलम। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल बाय कूलम, या फिर इसको बोल देते हैं वोल्ट। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से के लिए हम क्या करते हैं, अब देखो हम लोग पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पे। तो फिर से हम लोग यही दो ले लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। लेकिन अब क्या करेंगे, हम अपने टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, ये बी एट इन्फिनिटी है। अब हम इन्फिनिटी से इस चार्ज को ए तक लाएंगे, और उसमें जो हमारा पोटेंशियल होगा वो बताएगा हमें पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो इसमें माना जाता है ऐसा कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, जो वी है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ये होता है ज़ीरो के बराबर, ठीक है। तो फिर अब करते हैं फिर से वही काम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक उस चार्ज को, ऐसे निकलेगा। अब देखो हम ऐसा मान चुके हैं कि पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी पे ज़ीरो है, और ये हमने नहीं बनाया, ये फिजिक्स से ही बना हुआ, ऐसा जो साइंटिस्ट ने थे उन्होंने ही इसे बना रखा है। तो ये हो गया ज़ीरो। तो पोटेंशियल एट ए हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्रिंगिंग दैट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय क्यू नॉट। ऐसे डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। बुक में भी ऐसा देखने को मिलता है कि वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग दैट स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस चार्ज को बहुत धीरे धीरे लाया जाता है, बहुत तेज़ी से नहीं लाया जाता, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट ए पे हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 100 जूल पर कूलम, और हमें एक चार्ज 5 कूलम के चार्ज को हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है, जिसमें वर्क हो रहा है 20 जूल का, और हमें बताना है कि पोटेंशियल एट बी क्या होगा। ये है क्वेश्चन, इसको बना के देखते हैं। तो हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े हैं वो उसके हिसाब से हमें पोटेंशियल एट फाइनल मतलब बी माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल वो बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए से बी, ए से बी जा रहे हैं तो ए से बी जाने में जो वर्क होगा वो, और बाय दैट चार्ज, ठीक है, जो भी चार्ज है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एट बी तो हमको चाहिए ही, पोटेंशियल बी तो हमें चाहिए ही। पोटेंशियल एट ए हो जाए 100 माइनस है, ये है 100 इक्वल टू, अब वर्क हो रहा है 20 जूल का, और जो चार्ज है वो है 5 कूलम का, बस। तो ये 1 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, ठीक है, बी इधर आएगा। तो पोटेंशियल एट बी हो जाएगा 104 जूल पर कूलम। तो ऐसे हम लोग पोटेंशियल को समझते हैं।